सड़कों पर अगर आपको आप गुंडे या बदमाश दिखाई दें तो डरिएगा नहीं, क्योंकि आप पुलिस से चोरों को ही चौकीदारी सौंपती है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह बात सच है कि अब गुंडे बदमाश शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में पुलिस की मदद करेंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था और बदमाशों को सुधारने के लिए अनूठी पहल की है। इसके तहत इंदौर के प्रत्येक थाना क्षेत्र के चिन्हित गुंडों को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसकी शुरुआत पलासिया थाना प्रभारी ने की है। पलासिया क्षेत्र में 10 से अधिक बदमाशों ने चौराहे की व्यवस्था को संभाला। पलासिया थाना TI संजय बेस ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर पलासिया पुलिस ने क्षेत्र के लिस्टेड बदमाशों के बॉन्ड भरवाए। इसके बाद उन्हें अपराध न करने की शपथ दिलवाकर उन्हें चौराहे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। लगभग 10 बदमाशों ने 2 घंटे तक चौराहे की ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला। TI ने बताया कि बदमाशों को सबक सिखाने के लिए उन्हें चौराहों पर खड़ा किया गया है। पुलिस का काम होता है शहर में अपराधों को नियंत्रित करना, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने बदमाशों पर नकेल कसने के लिए अपराध नहीं करने का बॉन्ड भरवाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि अब तक पूर्वी क्षेत्र में 400 से अधिक बदमाशों के बॉन्ड अलग अलग थाना क्षेत्र में भरवाए चुके हैं। बॉन्ड भरने के बाद भी अगर बदमाश अपराध करते पाए गए तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इंदौर में इस तरह की पहली बार पहल की गई है। आमतौर पर विभिन्न तरह की संस्थाएं और अन्य लोग ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हैं, लेकिन इस बार इंदौर पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बदमाशों की ही मदद ले ली है। इसी के चलते विभिन्न थाना क्षेत्र के कुख्यात बदमाशों को थाने बुलाया और उन्हें ट्रैफिक के बारे में समझाइश दी। इसके बाद उन्हें विभिन्न चौराहों पर तैनात कर दिया गया। इस दौरान बदमाशों ने ट्रैफिक को संभाला। बदमाशों को इस तरह चौराहे पर खड़ा होकर व्यवस्था संभालते देख आम लोग भी हैरान रह गए। वरिष्ठ अधिकारी गण के द्वारा निर्देशित किया गया था कि क्षेत्र में जितने भी गुंडा बदमाश चाकूबाज हैं, इनको बुलाकर इनके जो भी वैधानिक कार्रवाई वो करना है और इनका डोजियर भराया जाना है। उसी तारतम्य में आज थाना पलासिया में थाना क्षेत्र के जो चाकूबाज हैं और गुंडे हैं, इनको थाना बुलाया गया। सभी के फिंगरप्रिंट लिए गए, सभी का डाटा संकलित किया जा रहा है, सभी का डोजियर भराया गया, सभी ने से शपथ दिलवाया गया कि भविष्य में किसी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे और सभी लोग स्वेच्छा से तैयार हुए कि यहाँ पर जो है अभी 2 घंटे वाहन चेकिंग करेंगे। इसी तारतम्य में यहाँ गिटार चौराहे पर आकर सभी जो गुंडे बदमाश हैं इनको सुधार का एक मौका दिया जा रहा है और सभी लोग पुलिस के साथ मिलकर यहाँ यातायात व्यवस्था देख रहे हैं। पुलिस का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपराधी से अपराध को छुड़वाना, उसी तारतम्य में ये कार्य किया जा रहा है। ये लगभग 10 के आसपास अभी वर्तमान अपराधी आए हुए हैं। इनके विरुद्ध चाकूबाजी किससे संबंधित अपराध